कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे द्वारा बोले स्वतंत्र वीर सावरकर के विषय में वादग्रस्त वक्तव्य का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन कोले और शहर अध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े के नेतृत्व में नागपुर स्थित गांधी सागर तालाब के पास निषेध व्यक्त किया गया, जहाँ प्रियंक खड़गे का पुतला भी फूंका गया। इस समय प्रतिपादन करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जानकारी दी कि पूरे महाराष्ट्र में जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। हमारी महिला मोर्चा आदि सभी आघाड़ी के कार्यकर्ता आज प्रियंक खड़गे का निषेध कर रहे हैं। इस समय राहुल गांधी के संबंध में बोलते हुए बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आकर स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का अपमान किया, इसका पूरे राज्य में विरोध हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का अपमान महाराष्ट्र और देश का अपमान है। गौरतलब है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी महानगर के पदाधिकारी बड़े आक्रामक ढंग से निषेध करते हुए नजर आए। इस समय भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े समेत सभी मुख्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उस श्रृंखला में सभी ने कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। इस समय बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सवाल उद्धव ठाकरे का है, जो हमेशा हिंदुत्व प्रियता का बिगुल बांसुरी बजाते रहते हैं। आज बाला साहब होते तो यकीनन उन्होंने इस गठबंधन का पुरजोर विरोध किया होता, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। देखिए, पूरे देश में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। आज नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा महिला आघाड़ी की ओर से आंदोलन चल रहा है। हम सारे जिले में आंदोलन कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे ने जिस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया है, इसके पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आकर 2-3 बार अपमान किया है। और हमारे उद्धव ठाकरे जी कहते हैं हम हिंदुत्ववादी है, तो उद्धव ठाकरे को पहला सवाल है कि सत्ता की लालच में आप इतने झुक गए हैं, इतने टूट चुके हैं कि आप कांग्रेस पार्टी का अलायंस आप लेकर चल रहे हैं। तो आपको सवाल है कि क्या प्रियंक खड़गे का जो बयान है वो आपको मान्य है? स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान आपको मान्य है? अगर है तो बताइए, महाराष्ट्र की जनता आपका इंतजार कर रही है, आपका विचारों का इंतजार कर रही है। आपने बार बार स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करते हुए देखा है और आपने सत्ता की लालच में कुछ नहीं किया और आप उसी आघाड़ी को बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने ये कदम उठाया और आज पूरे महाराष्ट्र में प्रियंक खड़गे के पुतले जलाना जो भी उन्होंने आंदोलन किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फडणवीस द्वारा नवाब मलिक के विषय में पत्रकार भी जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस को हृदय से बधाई देता हूं। जब पार्टी उन्हें बधाई दे रही है और उनके बयान का खुलकर समर्थन कर रही है, देवेंद्र जी हमारे नेता है, उन्होंने जो स्टैंड लिया है वह सही है, क्योंकि देशद्रोह का आरोप जिस विधायक पर लगा है, ऐसा विधायक कभी भी महायुति का हिस्सा नहीं बन सकता। यदि वह निर्दोष साबित होते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कल जो पत्र लिखा है अजीत पवार जी को, वो अत्यंत स्पष्ट लेटर है। अत्यंत वो पत्र में कहा है कि नवाब मलिक जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी भी नहीं है, सार्वजनिक भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनके ऊपर केस दाखिल हुआ है, देशद्रोह जैसा केस दाखिल होने के बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नवाब मलिक है वो महायुति में नहीं आ सकते जब तक उनके ऊपर का केस क्लियर नहीं होता। और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने यही अपेक्षा की थी देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी ने जो कहा है वो योग्य कहा है, वो हमारे पार्टी के नेता है, हमारे विधानमंडल के नेता है, और यही अपेक्षा देवेंद्र जी से है कि वो इस प्रकार से अजीत पवार जी को पत्र लिखकर कहे कि नवाब मलिक जी को जब तक उनका पूरा मामला क्लियर नहीं होता, जब तक कोर्ट से निर्दोष नहीं निकलते नवाब मलिक जी, तब तक उनको महायुति में ना रखे। यही बात सही कही है, यही बात भारतीय जनता पार्टी को मानना। उप मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा लिखे पत्र पर अल्फाजी प्रहार करते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने मलिक का अपमान करने की बात कही है, जिस पर जवाब देते हुए बावनकुले ने कहा कि अधिवेशन के पहले दिन वह पत्र लिखा गया है, ऐसे ही पत्र की भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी। 100% रहू शकत नहीं, कारण देवेंद्र जी ने स्पष्ट केला आहे आणि आमचंही भाजपाचं स्पष्ट धोरण आहे, स्पष्ट म्हणणं आहे
राज्याचा अध्यक्ष म्हणून मी आपल्याला जबाबदारी पक्षाची भूमिका मांडतो आहे की देवेंद्रजींनी केलेलं काल पत्र दिलेलं पत्र हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्याला भारतीय जनता पक्षाचं संपूर्ण पाठबळ आहे। महाराष्ट्र भाजपाला हेच अपेक्षित आहे कारण देशद्रोहाचा खटला ज्यांच्यावर असेल त्यांच्यावर ते महायुतीमध्ये येऊ नये ही भूमिका बरोबर आहे। जो खटला संपल्यावर जर नवाब मलिक निर्दोष मुक्त झाले तर मग त्यांचं स्वागत आहे, त्याला कोणी काही म्हणणार नाही। संजय राऊतने आता